ये मेरे ब्रदर हैं, इनको मुंह के अंदर माउथ कैंसर की प्रॉब्लम थी. हमने टेस्ट करवाया, हमको पता चला फर्स्ट स्टेज थी. तो हमको डॉक्टर रवि सर का किसी ने कंसर्न किया, तो फिर हम यहाँ फोर्टिस आए रवि सर के पास. दिस पेशेंट हैड कम टू अस विद अ लीजन इन द लोअर एल्वियोलस. इनका जो है लोअर जॉ में एल्वियोलर एरिया में एक अल्सरो प्रोलिफरेटिव लीजन था, which was also involving the buccal mucosa, and he had a few very small subcentimetric lymph nodes there, jo ki gardan mein the. To inka humne investigations kiya, inka imaging kiya, MRI kiya, inko stage kiya, aur inko sare pros and cons jo humne treatment ke liye, surgery ke liye jo humne samjhane the, unko samjhaye humne, aur inko fir humne operation ke liye liya. तभी सर ने हमको ऑपरेशन के लिए कंसर्न किया कि आप लोग ऑपरेशन करवाओ. सर ने बोला कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी. फिर हमने करवाया ना 15th को. 7 hours की सर्जरी थी और उसके बाद भाई भैया बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया को किसी भी तरीके की. हम लोगों को लगा था कि भैया रिकवर नहीं कर पाएंगे, बोलने में दिक्कत होगी, लेकिन कोई परेशानी किसी भी तरीके की हम लोगों ने फेस नहीं की. भैया ने बहुत जल्दी रिकवर किया. नहीं, इसमें हमने इनका हेमी मैंडिबुलेक्टमी किया और जो एल्वियोलर था उसको रिसेक्ट किया. उसकी गर्दन की जो गांठें होती हैं उसका नेक डिसेक्शन बोलते हैं, वो कंप्लीट नेक डिसेक्शन वॉज डन एंड कम्प्लीट लिम्फ नोड रीजन्स वर रिमूव्ड. इनका हमने छाती के ऊपर से मास्क लेकर के जो है मुंह के अंदर उसको लगाया है, गर्दन के अंदर से ले जा करके. 15 मार्च में ऑपरेशन हुआ था. आफ्टर 15 डेज मैंने खाना पीना शुरू कर दिया था, टू व्हीलर चलाना शुरू कर दिया था, अपने घर के काम अपने वैसे प्रॉपर काम करना शुरू कर दिया था. मेरे को बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है. ऑपरेशन से मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ. ही इज़ डूइंग टोटली फाइन नाउ एंड ही इज़ एबल टू स्पीक वेल. इट इज़ हार्डली बीन अबाउट 15 डेज आफ्टर हिज सर्जरी और ये खाना भी खा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, और अपना जो अगर 2 व्हीलर चलाना है 4 व्हीलर चलाना है तो दैट ही इज़ डूइंग एंड ही इज़ गोइंग अहेड विद हिज ट्रीटमेंट एज वी हैव एडवाइज्ड हिम. अब इस टाइम में अच्छी तरह से खा पी रहा हूँ, ग्लास से पानी पी रहा हूँ, लिक्विड ले रहा हूँ, और मैंने थोड़ा बहुत खाने की भी कोशिश की है, वो भी खा रहा हूँ. इसके लिए मैं रवि सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी हूँ. थी और इनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं दे आर वेरी कंड्यूसिव. इनके जो मार्जिन्स हैं वो सारे क्लियर हैं. इनके लिम्फ नोड्स जो 27 लिम्फ नोड्स निकले हैं वो सारे नेगेटिव हैं. और भी जो पैरामीटर्स हम लोग देखते हैं, लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन है या कुछ पेरिन्यूरल इन्वेजन है, वो सब नहीं है. सो आई होप दैट ही इज़ गोइंग टू डू वेल एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट.